अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जो क्रैकर्स थे वो ग्रीन फायर वर्क्स की श्रेणी के नहीं पाए गए। पहले आगे से बना लो फिर पीछे आगे पीछे हो जाओ बनी मेरा पीछे ले। और क्या कुछ जो है पुलिस अलग अलग जगह जा रही है, किस तरह की जांच हो रही है? शहर में अनुभाग में अलग अलग स्थानों पर जहाँ पटाखों का फायर क्रैकर्स का विक्रय है और भंडारण है, उन स्थानों की जांच की जा रही है। उनके लाइसेंस के संबंध में, सुरक्षा मानकों के संबंध में, फायर एक्सटिंग्विशर आदि जो मानक एक्सपोजर रूल्स में दिए हैं उसके संबंध में की जाँच की जा रही है, और जो लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप भंडारण है कि नहीं इस संबंध में जाँच की जा रही है। सर क्या अभी जो है कितनी टीमें जो है, आप सिटी एसपी भी है और आप मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कितनी टीमें अलग अलग जगह अभी जो है फील्ड में हैं? तीन टीमें जो है वो अलग अलग संयुक्त टीमें हैं प्रशासन के साथ, और अभी पांच प्रतिष्ठानों पर जांच की गई है, और आगे भी जो है ना शहर के संपूर्ण जो पटाखा विक्रेता है उनके जाँच की जाएगी, और तब तक जवाब सब जाँच समाप्त होगी। ठीक सर, अभी घूम रहा है देवास और जो जिला हरदा में विभक्त हादसा हुआ, जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर साहब के द्वारा और एसपी साहब के द्वारा इस ऐसे निर्देश जारी किए गए कि पुलिस और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से सभी लाइसेंसीज की जांच करेगी सघनता से, और इनपुट्स लेगी कि इनके अलावा भी यदि कहीं बिना लाइसेंस के कहीं यदि होर्डिंग्स होंगे रखे गए होंगे तो उनकी जाँच करेंगे। इसी के सिलसिले में हम लोगों ने आज शहर से शुरू किया है। हम लोग का पहले मेन फोकस है कि वो घनी आबादी वाले क्षेत्र जहाँ पर है उसको हम पहले देखें, और फिर उसके बाद हम लोग शहर से बाहर वालों में जांच कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी हम लोगों ने कुल तीन दुकानों की अभी तक जांच की है, तो ऐसी कोई गंभीरता नहीं पाई गई है। हमने ये बात पर फोकस किया कि इनके पास अग्निशमन यंत्र हैं वो पूरी तरीके से क्रियाशील हो, और वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं चाहे वो मालिक हो चाहे उनके एम्प्लॉइज हो वो उसको अच्छे से हैंडल करना जानते हो। इसकी पुष्टि करने के लिए हम लोगों ने हर जगह अग्निशमन यंत्र चलवा कर देखा, अभी तक तो सब जगह सही पाया गया। इसके अलावा अगल बगल के जो दुकानदार हैं जो फायर क्रैकर्स का काम नहीं करते हैं और दीगर काम करते हैं उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें भी अपने दुकानों में अग्निशमन यंत्र रखना चाहिए। यदि सारे लोग अपने सारी चीज़ों में पारंगत रहेंगे तो स्थितियाँ थोड़ी बेहतर हो सकेंगी। हम आपके माध्यम से और आपसे ये अपील करेंगे कि अवैध भंडारण कहीं हो तो उसकी सूचना हमें दें, आप लोगों के नाम रोशनी रखा जाएगा। और हम लोग कितनी दुकानें सर अभी तकरीबन प्राथमिक तौर पर जांची अलग अलग दल जो अभी तो अभी तक हमारे यहाँ तो अभी शाम को तीन हुई हैं, दो पहले हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने और रेवेन्यू ऑफिसर्स ने जाँच की, अभी तक पाँच हुई हैं, कल शाम तक हम लोग 100% अपने कई दुकानों सर फटाखे जबकि पहले जिस दुकान में पुलिस ने देखा था फटाखे भरे होते, जब आप लोग गए तो फटाखे नहीं थे, कुछ फटाखे उसने वहाँ से हटा दिए थे। अब हम इसकी कल विस्तृत समीक्षा करेंगे, उसका स्टॉक रजिस्टर देखेंगे। सर कई जगह से फटाखे भी जब्त किए गए और चालानी कार्रवाई भी की गई कुछ। एक्चुअली ग्रीन क्रैकर्स की भी एक थ्योरी है कि जो पटाखे हो वो प्रदूषण कम प्रदूषण वाले हों, तो उसमें एक जगह मैंने जांच किया था तो कुछ अमानक पटाखे मिले हैं जो ग्रीन क्रैकर्स की श्रेणी में, उनकी जब्ती की गई है और ये कोई कॉम्फर्टेबल
उज्जैन भेजेंगे और वहाँ से जाँच के उपरांत यदि अमानत पाए जाते हैं तो तदनुसार। सर नॉर्म्स के अनुसार शहरी क्षेत्र में पटाखे नहीं बिकना चाहिए, उसके बाद भी दुकानें खुली? नहीं, क्रैकर्स की विनिर्माण की स्थिति और सेल की स्थिति में अंतर रहता है, इनको बाकायदे प्रॉपर अथॉरिटी से वहाँ आगरा से मिलता है इनको लाइसेंस, इनके पास लाइसेंस है। कुछ दुकानों जो फायर चलाना ही नहीं आता इनको, जो फायर इक्विपमेंट रख रखे हैं इन्होंने, वो तो अपराध होगा और ये माना जाएगा कि उन्होंने सुरक्षात्मक उपाय पूरे नहीं किए हैं और तदनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई।